मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं किससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या किसस से दिलचस्पी रोजे अव्वल ही से पाई जाती है। किसस का लफ्ज आम तौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं उनकी गरज व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किसस हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम किसस और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाकई हो चुके। इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किसस लुत्फंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। यह मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जजा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जरायम करती रही हैं उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तस्किरा हुआ, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया, फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन किसस से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है, सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए किराम हैं, फिर सहाबाए किराम और सालेह लोग भी नमूना हैं। अंबियाए किराम के वाकयात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस मुबारका से भी हमें उनके हालात और वाकयात मालूम हुए हैं। नीज तारीख की कुतुब में भी उनके तस्करे मौजूद हैं। अंबिया के मौजू पर लिखी जाने वाली कुतुब में से वाजे और नुमाया हैसियत इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की किताब किससुल अंबिया है। इसके अलावा इमाम तबरी की तारीख तबरी और इब्ने कसीर की अल बदाया व निहाया में अंबिया की सरगुज़श्त मौजूद है। हमने इन किसस को आप तक पहुंचाने में इन्हीं कुतुब को पेश नजर रखा है, इसलिए कि काबिल एतिमाद तसानीफ यही हैं। खास तौर पर हमने इसराइली रिवायात को जगह नहीं दी, न ही ज़ईफ रिवायात का सहारा लिया है, बस सही अहादीस को बुनियाद बनाया है
और उन अजीम मुफस्सरीन किराम की तफासीर पर एतमाद किया है जो अल्लाह की नाजिल करदा आयात के मुताबिक तफसीर करते हैं। खास तौर पर हमने तफसीर इब्ने कसीर और तारीख इब्ने जरीर को तरजीह दी है। इस हिस्से में आप सुनेंगे, जमीनों आसमान की तखलीक से पहले क्या था, अल्लाह ताला का अर्श कहां था, अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान और पहाड़ों और दरख्तों को कितने दिनों में पैदा किया, कौन सी चीज किस दिन पैदा की गई और कौन सी चीज सबसे पहले पैदा की गई, फरिश्ते जिन और इंसान किस किस चीज से पैदा हुए, इंसानों और जिन्हों की तख्लीक का मकसद इबलीस कौन था। तो आइए सुनते हैं दारुसलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान से किससुल अंबिया का पहला हिस्सा, तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम। पेशकश मोहम्मद तारिक शाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह الذي خلق السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ। اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت 4 میں فرماتے ہیں، هو الذی خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير। وہی ہے जिसने आसमानों और जमीन को छह दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ। اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے अबू रजीन उकैली से बयान किया है, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐन कान रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल क़ब्ल अन यख़लुक अस्समावात वल अर्द, फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान फी अमाइन मा फ़ौक़हु हवाउन व मा तहतहु हवा ثم خلق عرشه على الماء। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहां था? आपने फरमाया, आमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था, न उसके ऊपर हवा थी और न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद
इमाम तिर्मिजी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत बयान की है। वो कहते हैं, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة मैंने رسول اكرم صلى الله عليه وسلم को فرماتے ہوئے سنا, آپ فرما رہے تھے बिला शुभा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया लिख, चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और कयामत के दिन तक होने वाली हर चीज लिख दी। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत बयान की है, उसमें सबसे पहली चीज के बारे में वजाहत की है और जम्हूर फुकहा की राय भी यही है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء मैंने सुना आप फरमा रहे थे अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से वाज़े हो गया कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर तहरीर की, फिर आसमान और जमीन की तखलीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, उसका मतलब यह है कि इस जहान की मखलूकात में सबसे पहले इसका नंबर है, न कि बाकी तमाम जहानों की मखलूकात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين وليسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ यमन से आए हुए एक वफ्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं, ये कि सबसे पहले क्या चीज थी। आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया, यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तखलीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया, चुनाचे कलम ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश माराज़े वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अकवाल हैं और हमने आपके सामने जम्हूर उलमा और फुकहा की पसंदीदा और राजह तरतीब पेश की है। आसमान और जमीन की मखलूकात की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا. اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی. ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں. انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے. صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے. فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے. اللہ تعالی سورۃ الشورى آیت 5 میں فرماتے ہیں، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خبردار، اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے. مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے. فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا. جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالی سورۃ الحجر آیت 27 میں فرماتے ہیں، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، خلق الجان من مارج من نار. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں. گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا. یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد. ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے
और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान मजीद में है। इल्ला इब्लीस कान मिन अल जिन, और इब्लीस जिन्नों में से था, मतलब ये कि वो फरिश्तों में से नहीं था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और न ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ है। वो जिन्नात में से है क्योंकि उसने खुद इकरार किया था। ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अगर ये फरिश्ता होता तो उस वक्त कहता, ऐ अल्लाह तूने मुझे नूर से पैदा किया है। इसलिए इब्लीस का जिन होना रोजे रोशन की तरह आया है। सैयदिना अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाहु अन्हुमा और सैयदिना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस जमीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए, नाहक खून बहाने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। उनसे जिन्नात की जबरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों की जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जमीन के हर बड़े आजम से उन्हें जिला वतन कर दिया गया। चुनाचे आज तक उनका मस्कन यही जजीरे और अजीम मराकिस हैं। ये वाकया आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हो चुका है। अहदीस मुबारका में है कि इब्लीस मलून का एक तख्त है और वो तमाम जिन्नात का सरदार और हुक्मरान है। उसका शाही तख्त पानी पर है, अगरचे उसकी मुतायन जगह हमें मालूम नहीं। यहां तक जिक्र था सैयदिना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का। अब हम जिक्र शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें, अगरचे वो इबादत का मोहताज नहीं। वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं। वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जबर और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना वो किसी चीज का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा से मुराद है नायब, और ये कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए, सो अल्लाह ने एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها, अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है। अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इस कदर अक्लो दानिश नहीं थी कि जमीन को पुर रौनक और सरसब्जो शादाब रख सकें। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं, उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के 10 साल बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा, फिर अपनी रूह उसमें फूंकी। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, قَالُوا
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں. اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا. وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے. وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے. اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے. اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی. اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں. بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے، کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے، کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی. وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی. یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلا آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپایوں وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے، لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی، یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں. لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ معزز اور علم والی تو نہیں ہوگی. بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی. امام ترمذی، ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضہ قبضہا من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا،
इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बास सुर्ख रंग के हैं तो बास स्याह और बास सफेद और कुछ इसके दरमियान दरमियान में हैं। बास नेक हैं, बास खबीज और कुछ पाकीजा किस्म के हैं। इंसान की तखलीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बास आयात में तुराब का लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलकहू मिन तुराब, यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, इज कौल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूं। जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाज़िब, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, खलकतु बियदै, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के स्पुर्द न की बल्कि बजाते खुद उसे तखलीक के मराहल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार ठेकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमा उन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठेकरी की तरह की मिट्टी को अलफखार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं। وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। और फरमाया, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। और फरमाया, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल्फखार, अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाकुज, तआरुज और इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तखलीक के मुख्तलिफ मराहिल की याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम यह हुआ कि तखलीक के अमल का पहला मरहला तुराब था, यानी आम हालत वाली खुश्क मिट्टी, फिर तीन यानी भिगोई हुई मिट्टी, फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल, फिर ठीकरी की तरह की मिट्टी यानी फखार, और ये काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया। और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह न था। हमारे और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ हैं। तखलीक आदम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है। इंसानों को एक सूरत अता की गई। इस मरहले का तस्किरा बुखारी और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है। خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن
अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ या 60 मीटर लंबा था। तमाम जन्नती लोग इस कद आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक मखलूक का कद कम होता चला आ रहा है। बाद वाले लोग गुज़श्ता जमाने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रिवायत बयान की है, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी 60 मीटर और चौड़ाई 7 हाथ बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह, सैयदना आदम किस कदर जखीम और अजीम मखलूक थे। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत में है, लम्मा खलक़ अल्लाहु आदम तरकहु मा शाअ अन यदअ फजअला इब्लीस यतीफु बिही यन्ज़ुरु इलैह فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَ فَعَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكْ। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी मंशा के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा। इब्लीस उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा कि वो पेट वाला है। वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात का पेट नहीं है, सिर्फ इंसान ऐसा है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है। बहरहाल अल्लाह ने इंसान को इस शक्ल और सूरत में पैदा फरमाया। अहदीस मुबारका में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस मलून का किस्सा तफसील से भी मौजूद है और मुख्तसर भी। मसलन तफसीर तबरी में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का हुक्म दिया, मिट्टी लाई गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार और बदबूदार स्याह मिट्टी से पैदा फरमाया और ये काम अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से किया। आदम 40 रातें मुजस्समे की सूरत में पड़े रहे, जिस मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। इब्लीस आता, इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ने भी फरमाया है कि वो खनखनाती मिट्टी से पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से गए। इब्लीस को तो बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ा। वो गुजरते हुए ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो आदम के मुंह में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं यकीनन इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो बिला शुबा मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाजा कीजिए, वो ताज्जुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है। उसकी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी किस कदर पुरानी है, गोया इब्तिदा ही से ये अदावत पर डट गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। इस मज़मून को कुरान मजीद में जा बजा जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। एक और जगह फरमाया, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون। अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हूबहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाकर कहा, हो जा, वो हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी। इसका मुफस्सल बयान अहादीस में मौजूद है। जब उनमें रूह फूंकी गई और इब्तिदा में रूह जैसे ही सर के अंदर दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया।
अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमा का रब्बुक, यानी तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें अपनी रहमत से सरफराज फरमा दिया। बहरहाल जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उन्होंने जन्नत के फलों को देखा तो उनमें गौर व फिक्र करने लगे। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। अभी रूह टांगों तक पहुंची नहीं और खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी। इस जल्दबाजी और उजलत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही उनकी पुश्त से क्यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए। आदम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने इस आयत करीमा के बारे में पूछा, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, सब ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं न कहो, हम तो इससे महज बेखबर थे। औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतन मिन बादिहिम أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ। या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, लिहाजा क्या तू उन गलत राह वालों के फेल पर हमें हलाकत में डालेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इन्नल्लाहा खलक़ आदम थुम्मा मसह ज़हरहु बियमीनिही फस्तखरज मिन्हु ज़ुर्रियतन फ़क़ाल खलक़तु हाउलाई लिल्जन्नह वबिअमली अहलिल जन्नति यअमलून ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل ففيما العمل يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ النَّارِ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुश्त पर फेरा और उससे नस्ले इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे। फिर अपने हाथ को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा
और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे। इस पर एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे? आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है, हत्ता के जन्नत वाले आमाल में से ही किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है, इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है। और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है, यहां तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है, इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी के जन्नत वाले आमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया। अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था और उसका इल्म बरहक है, कतई है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं, और चूंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई इसलिए इसमें भी कोई खता वाकई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है, ऐसी बात कतन नहीं। और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है, यहाँ इसकी तफसील का मौका नहीं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इबलीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था, लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इबलीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए यह हुक्म नहीं था बल्कि इबलीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इबलीस के सभी ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था? तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इबलीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इज अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था, और फिर इबलीस ने जवाब में यह नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा न करने की वजह यह बताई। قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो फिर कहा,
قال فاهبط منها, اللہ نے حکم دیا تو اس سے نیچے اتر جا. غرض جب ابلیس نے نافرمانی کی, سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کیا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوا. اللہ نے اس کی سرکشی دیکھ کر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا, قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. اس جنت سے اتر جا, تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے. ابلیس نے جواب میں کہا, مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے, یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں, موت نہ آئے. اللہ نے فرمایا, تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقررہ تک, اور جب شیطان اس طرف سے مطمئن ہو گیا کہ اسے مہلت مل گئی تب اس نے کہا, چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, پھر ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا, اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رد کرتے ہوئے فرمایا, یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا. جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہ جہنم کا مستحق اور حقدار ٹھہرے گا. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس گفتگو کو نئے پیرائے میں دہرایا گیا ہے. مثلاً اللہ نے فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وَإِذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی, اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا. اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں انسان کو سیاہ بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں, جب میں اسے پورا بنا چکوں
और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने सजदा करने वालों में शुमूलियत इख्तियार करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? वो बोला, मैं ऐसे इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसे तूने स्याह बदबूदार खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तू बहिश्त से निकल जा क्योंकि तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी फिटकार है। قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين कहने लगा, ऐ मेरे रब मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा उस मुकर्ररा वक्त के दिन तक तुझे मोहलत दी गई। कहने लगा, ऐ मेरे रब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है मुझे भी कसम है कि मैं इंसानों के लिए जमीन में गुनाहों को खुशनुमा बनाऊंगा और उन सब को बहका दूंगा सिवाय उनके जो तेरे मुंतखब और मुखलिस बंदे होंगे, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है कि मुखलिस बन जाओ, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं होगा। अलबत्ता जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करेंगे यकीनन उनके वादे की जगह जहन्नम है। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے इसे तूने मुझ पर फजीलत दी है, अगर मुझे भी तूने कयामत तक ढील दी तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा इनमें से जो भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है जो पूरा पूरा बदला है। واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है बहका ले और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, यानी अपने घुड़सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ाकर ले आ
और अपना हर दाव, हर तरकीब और हर असलहा इस्तेमाल कर ले, और इनके मालों और औलाद में भी शिरकत कर ले, और तू इन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले, यानी इनके बुरे आमाल बना संवार कर इन्हें दिखा और गलत ख्वाहिशात दिला, जन्नत, दोजख और दोबारा जिंदा न होने के वादे दे, और इनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं सब के सब सरासर फरेब हैं। यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और गलबा नहीं होगा, तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। इसी तरह बहुत सी आयात में पहली मासियत इलाही का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाफरमान इबलीस मलून था। वो खबीस अल्लाह के सामने तकब्बुर और अनाद से भरपूर जवाब देता रहा। इसी वजह से अल्लाह ने उसे काफिर का लकब दिया। काफिर उसे कहते हैं जो नेमत का इनकार करे। अल्लाह ने उस पर इतना फजल व करम और इनाम और एहसान किया कि बुलंद तरीन मरतबे तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने अल्लाह की इस नेमत की कदर न की, परवाह न की और कुफर का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين। जबकि आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला हूं, सो जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके सामने सजदे में गिर पड़ना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने न किया और उसने तकब्बुर किया। वो काफिरों में से था। सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गुरूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकब्बुर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया, उसकी बुराई वबाल और हलाकत से आगाह फरमाया। आपने फरमाया, ला यंज़ुरु अल्लाहु इला मन जर्र सौबहु खुयला, अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत से देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बिना पर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाया। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुतलकन फरमा दिया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन किब्र, वो शख्स जन्नत में दाखिल होने के काबिल नहीं जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है। जो शख्स अपने कपड़े, अपने मकान और अपने कबीले पर फख्र करता है उससे अल्लाह की रहमत उठ जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा किराम को देखा कि मुहाजिर सहाबी अंसार सहाबा के खिलाफ और अंसारी सहाबी मुहाजिरीन सहाबा के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं तो आपने फरमाया, दऊहा फइन्नहा मुंतनह, इस जाहिलियत वाली पुकार को छोड़ो, ये बहुत बदबूदार है। बरादरी की बुनियाद पर लड़ना, बाहम फख्र करना बुरे नताइज का जरिया है। गुनाहों की बुनियाद भी तकब्बुर है। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि अपने नौकर, खादिम, मुलाजिम या किसी भी मिस्कीन पर कभी भी फख्र गुरूर का इजहार न करे, क्योंकि यही अल्लाह की सबसे पहली नाफरमानी वजूद में आई थी। तकब्बुर का ये जिक्र ज़िमनन आ गया। हम फिर अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें आलिम बनाकर ही तख्लीक किया, यानी जब वो पैदा हुए तो जाहिल नहीं थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से भी बड़ा आलिम बनाकर पैदा फरमाया। बेशुमार अहादीस में आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा और उनके इल्म का जिक्र मौजूद है। जब अल्लाह ने आदम में मुकम्मल रूह डाल दी और वो अपने पांव पर खड़े हो गए तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। आदम और फरिश्तों की जुबान अरबी थी। यही जुबान अहले जन्नत की है। आदम गए, जाकर सलाम कहा। उन्होंने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुझ पर अल्लाह की सलामती और रहमत हो।
अल्लाह ने फरमाया, ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही में तमाम नाम सिखा दिए। मुफस्सरीन ने इन नामों के बारे में बहुत बहसें जिक्र की हैं। मजबूत मौकिफ सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया था। मसलन ये पहाड़ है, ये समंदर है, ये परिंदा है, ये दरख्त है वगैरह। वो आसमान और जमीन की हर चीज का नाम जानते थे। ये इल्म कैसा था, इंसान ने किस तरह हर चीज का नाम पहचान लिया। यकीनन अल्लाह इंसान में ये ताकत पैदा कर सकता है कि वो हर इल्म का इहाता कर सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम और उसकी सनत और काम भी मालूम करा दिया। आग, लोहे, लकड़ी, गरज हर चीज का नाम और इस्तेमाल जहन में डाल दिया। वो किस कदर अजीम इल्म से बहरावर हुए, सुभान अल्लाह। बहरहाल अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शक्ल सूरत और तखलीक ही में बुलंद मर्तबा अता नहीं किया था, बल्कि अक्ल व इल्म के लिहाज से भी बुलंद दर्जे और मुकाम पर फाइज किया था, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखा दिया, फिर उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया, أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ। मुझे इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। मतलब ये कि तुम अपने दावे में कहां तक सच्चे हो। जब आदम की तखलीक हुई तो तुमने कहा था, अल्लाह जो चाहे पैदा कर ले, कसम है वो हमसे ज्यादा मुअज्जज और आलिम नहीं होगा। इस दावे में अगर तुम सच्चे हो तो जरा इन अशिया के नाम तो बताओ। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का ज्यादा मुअज्जज होना, मुकर्रम होना और इल्म मारफत वाला होना वाजह करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा ताजीमी था, इबादत वाला सजदा नहीं था। सजदा ताजीमी पहले वक्तों में जायज था लेकिन अब हराम है। इसीलिए तो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और 11 बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। बहरहाल फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इससे मालूम हो जाता है कि कौन ज्यादा इज्जत और अजमत वाला है। यकीनन आदम अलैहिस्सलाम ज्यादा शरफ और मंजिलत के हकदार ठहरे। जब अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत, तकरीम और ताजीम साबित फरमा दी, तब इल्म मार्फत में उनकी बर्तरी साबित करने के लिए फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने कहा, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। फरिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। मुकम्मल हिकमत और इल्म वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम तुम इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। आदम हर चीज का नाम बताने लगे, किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूं और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छुपा रहे हो। यहां जहन में सवाल उभरता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे।
वो राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज्यादा मुअज्जज और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। वाज़ह रहे, हम आपको सिर्फ वाकयात ही नहीं सुना रहे, सिर्फ सीरत और तारीख ही बयान नहीं कर रहे, बल्कि कुरान भी पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। और कुरान को उस वक्त तक समझना महाल है जब तक कि इन वाकयात की तफसील मौजूद न हो। खैर, इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने काफी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया, और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे थे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हम सफर बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन نفس واحدة وخلق منها زوجها اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا، پوچھنے لگے تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھیں، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجِ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔
आदम और हव्वा अलैहिमस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا। और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ। जन्नत भी कैसी, अल्लाह फरमाते हैं, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ। वो जन्नत के जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के, चुनाचे इरशाद हुआ, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ और इस दरख्त के पास मत जाओ, वरना जालिमों में से हो जाओगे। एक और जगह फरमाया, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى। اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے، یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا، ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی اور نہ دھوپ، پھر بے انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تمہ دلانے کی صورت میں پورا کیا،
और ये तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है, और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ठांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى। शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा ए आदम क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो। जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है। और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैरख्वाह हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा, और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया फदल्लाहुमा बिगुरूर, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी, जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए, हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं فَلَمَّا ذَاقُوا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ। उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बराहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बराहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा आदम मुझसे भागते हो, आदम बोले अल्लाह मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूं और इस वजह से कि तेरे सामने बराहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूं। यहां एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी, उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला हव्वा लम तखुन उन्सा ज़ौजहा। अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खयानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते।
तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा। وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ। क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और क्या यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे जैसा कि इबलीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली। जी हां, दोनों ने तौबा कर ली जैसा कि कुरान मजीद में आता है। قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में एक सवाल ये जहन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इबलीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने उसे मर्दूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था। कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था। मुफस्सिरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था, जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसे ही शैतान ने अपनी ताकत से ये वसवसा उनके दिलों तक पहुंचाया। लगे हाथों इबलीस की हकीकत भी सुन ले। इबलीस के लफ्जी मानी इंतहाई मायूस के हैं। ये रांदा दरगाह होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, इसलिए उसे ये लकब मिला, वरना रिवायात की रूह से उसका असल नाम अजाजील था। पहले यह जिन्नात में से था, अपने रब ताला की इताअत से निकलकर इबलीस हुआ। इसका इल्म नाकिस था, मिजाज नापाक था, वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था। यहां ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अंबिया खता और गुनाह से पाक होते हैं, उन पर अल्लाह ताला की मुस्तकिल हिफाजत और निगरानी कायम रहती है। अगरचे अंबिया भी इंसान होते हैं और तमाम इंसानी तकाजे उन्हें लाहिक होते हैं, लेकिन उनके अमल और इरादे में किसी किस्म की बदी और शर का अमल दखल कतान नहीं होता। उनका हर कौल और अमल, बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत भी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होते हैं। अलबत्ता बशर होने की वजह से भूल का इम्कान होता है, ताहम भूल हो जाने की सूरत में उन्हें फौरन ही खबरदार कर दिया जाता है। भूल हो जाना बशरी तबीयत का खासा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में यह चीज रखी है। अंबिया से भूल चूक हो जाने में भी अल्लाह ताला की कई एक हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन बहुत सी कौमें अपने नबियों के मोजजात देखकर उनमें रबूबियत की सिफात की कायल हो गई, यहां तक कि बाज़ कौमों ने अपने नबियों को अल्लाह या अल्लाह का बेटा भी जाना। जब अंबिया से भूल और लग्जिशें हुई तब गोया लोगों पर यह वाजे किया गया कि ये इलाह नहीं है, इलाह होते तो किस तरह इनसे भूल हो सकती थी। इसे ये बताना भी मकसद था कि अंबिया इंसान ही होते हैं, कोई मावराई मखलूक नहीं होते। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाकये पर गौर करने से यह हकीकत मजीद वाजे हो जाती है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की यह लग्जिश गुनाह नहीं थी। ममनुआ दरख्त का फल खाते ही सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास उतर गया था। इस लिबास के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है
कि वो लिबास दरअसल नूर का था, यानी वो जन्नत का खास लिबास था जो सिर्फ उसी आलम में पहना जा सकता है। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से जन्नत में उनकी सतरपोशी का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ। मजीद फरमाया, بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। अल्लाह ने मजीद फरमाया, قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون। फरमाया, तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। कुरान मजीद के दीगर मकामात में भी इस किस्से की तफसील मौजूद है। मसलन फरमाया, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا। اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सबने सजदा किया, उसने साफ इनकार कर दिया तो हमने कहा, ए आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है, लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया, कहने लगा मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी पुरानी न हो। فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया, फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहां से उतर जाओ
तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। वो कलिमात ये हैं। रब्बना वलमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मगफिरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इबलीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दां हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे की मारिफत हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार दो दो बच्चों को जन्म देती थी, एक लड़का होता एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था। फिर इंसानों की अफसाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ही को उनका नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी कानन नासो उम्मतं वाहिदा, तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, उनमें शिर्क का शायबा भी न था। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रहिमहुमल्लाह ने अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत बयान की है। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था। जब वो उतरे तो आलिम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, कामकाज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे, लोहे आग लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे। हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तिदा ही से जान चुके थे, क्योंकि हम सब लोगों का हाल यह है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता। आज के दौर में बास अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर महज़ब जिंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जाया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया। तहजीब और तमद्दुन का आगाज चूंकि इब्तिदाए आफरीनश से है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबील के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबील का किस्सा बयान किया है। काबिल करख और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबील रहम दिल और नर्म तबीयत था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबील मवेशी चराता था। हाबील के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है, अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था।
और इसी तरह हाबील अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत यह थी कि काबिल की शादी हाबील की बहन से हो और हाबील की शादी काबिल की बहन से हो, लेकिन हुआ यह कि हाबील की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबील की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फर्क यह है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती, अलबत्ता उसकी तरफ वही नाजिल होती है और मौजजात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में यह कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबील ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबील पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबील को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबील के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबील ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाए। चुनाचे एक तारीख रात में हाबील सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया। उसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह उसने हाबील को कत्ल कर दिया। रूए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर बैठा, अब हैरान और परेशान हुआ कि उसकी लाश का क्या करे। उस वक्त तक नस्ले इंसानी मौत से भी दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम नहीं था कि मुर्दे के साथ क्या किया जाए। इसी कशमकश के आलम में उसने भाई की लाश को कमर पर उठा लिया और चल पड़ा। चला जा रहा था कि अल्लाह ने दो कव्वे भेजे। दोनों कव्वे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। अब जिंदा कव्वा मिट्टी खोदने लगा। इस तरह उसने एक गढ़ा तैयार कर लिया, मुर्दा कव्वे को उसमें रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी। इस तरह काबिल को दफन का तरीका मालूम हुआ। उसने भी गढ़ा खोदा और हाबील की लाश को उसमें दबा दिया। वो अपने किए पर नादिम जरूर था, लेकिन उसने अल्लाह से मुआफी न मांगी, जबकि इंसान के लिए जरूरी है कि उससे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से मुआफी मांगे। काबिल और हाबील के दरमियान जो मुकालमा हुआ, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरह मायदा आयत 27 ता 29 में किया है। अल्लाह फरमाते हैं, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नजराना पेश किया, उनमें से एक ही नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई तो वो कहने लगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह तकवे वालों ही का अमल कबूल करता है, गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्तराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल के लिए हरगिज अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोजखियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। इसका मतलब ये था कि तेरे और गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे जिम्मे लगे और तू जालिमों में से हो जाए। हाबील के कत्ल के बाद काबिल पर जो गुजरी उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह मायदा आयत 30 और 31 में किया है। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔
हाबील को कत्ल करने के बाद काबील ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहाइश पजीर हो गया और आदम अलैहिस्सलाम के सामने तक न हुआ। आदम अलैहिस्सलाम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे, ये उनसे बहुत दूर जा बसा था। इस तरह काबील का आदम अलैहिस्सलाम से राबिता बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई। फहाशी और उरियानी को उनके यहाँ उरूज हासिल था। इबादत ये लोग अगरचे अल्लाह ही की करते थे लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे। तकवा की किल्लत, अहकाम इलाही की नाफरमानी और फहाशी का फरोग उनके शब रोज का मामूल था। इसके बाद लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए। शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। इनकी कुल उम्र तो 1000 साल थी लेकिन 40 साल कम कर दी गई। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क्यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं, आपने अपनी उम्र के 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदि है। आदम अलैहिस्सलाम खुद भूल गए, उनकी औलाद भी भूलती है। आदम अलैहिस्सलाम ने खता की, उनकी औलाद भी खता करती है। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिमस्सलाम को इसका नेमुल बदल अता किया। इसका नाम उन्होंने शीस रखा। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हाबील के कत्ल पर आदम और हव्वा अलैहिमस्सलाम दोनों बहुत गमगीन हुए, इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीस अलैहिस्सलाम अता फरमाए। सैयदना अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफे नाजिल फरमाए, उनमें से 50 सहीफे शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इन सहीफों में ऐसे कवानीन, उसूल और जाबिते थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनज्जम होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था, इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीखकर लोगों को सिखाए। लोगों ने उनसे मुख्तलिफ उलूम, फुनून और पेशे सीखे। उन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी। दिन रात के हिसाबात से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए। अहदीस में इसकी वजाहत मिलती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अबू जमा सादी कहते हैं कि उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुतालिक पूछा, ये कौन शख्स है? लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु हैं। बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है। तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम हैं। अबू जमा फरमाते हैं
कि उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त ये वाकया बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं, सेब, अनार, अंगूर, ये सब जन्नत में मौजूद थे। जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं, जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते। इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आरजी होता है, जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए। उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े, कुदालें और टोकरियां ले ली। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले। उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी। उन्होंने पूछा, आदम के बेटो, किस चीज की तलाश में हो, कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब में कहा, हमारे वालिद मरीज हैं, उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है। फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे, उनकी बात सुनकर बोले, वापस जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं, अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें। जब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी, उनके साथ चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी, मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की, उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकामात से वाकिफ नहीं थे, उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था, इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी 960 साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खता नहीं की। यह था हमारे बाप सैयदिना आदम अलैहिस्सलाम का उस्वा और सीरत तय्यबा का हाल। आपकी वफात के एक साल बाद हव्वा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गईं। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब तबलीग का काम उन्हें करना था। उधर काबिल जो नर्म जमीन में जा आबाद हुआ था, उसकी औलाद ने फितना और फसाद और सरकशी की जिंदगी इख्तियार की। उन्होंने कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया। ये लोग आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते तो वहां भी फसाद मचाते। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा सूरतुल अहज़ाब आयत 33 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, वला तबव्वजन तबव्वुजल जाहिलियतिल औला, पुराने जमाने की जाहिलियत की तरह अपने बनाओ का इजहार ना किया करो। उस वक्त दो नस्लें आबाद थी, एक पहाड़ पर और दूसरी नर्म जमीन पर। पहाड़ों के मर्द खुश शक्ल थे, औरतें स्याह फाम थी, जबकि जमीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्दों के रंग सांवले थे। अब इबलीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में नर्म जमीन वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी शक्ल की एक चीज ईजाद की और उसको बजाने लगा। लोग उस आवाज पर लट्टू हो गए, उसके गिर्द भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया, उसमें हजार हा मर्द और औरतें जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहां एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न जमाल का जिक्र किया। अब वहां के लोग कसरत से मैदानी इलाके में आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तिलात बढ़ा, बदकारी और जिनाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। ये सब बयान करने के बाद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह ताला के कौल, वला तबव्वजन तबव्वुजल जाहिलियतिल औला की यही तफसीर है,
और कदीम जाहिलियत से यही मुराद है, क्योंकि उन लोगों ने जमीन में एक अजीम फसाद और इंतशार बरपा कर रखा था। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि वो इन शरीर और फसादी लोगों के साथ मेल जोल न रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें वरगलाता रहा, यहां तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबिल की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूं ही जिंदगी बसर करते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनमें इदरीस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया।